अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इन अ सेंस के जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है आजकल इस हवाले से कि जो बॉयकॉट का आजकल चल रहा है मामला। अभी जो PSL अभी स्टार्ट हुआ है जिसमें अभी 12 मैच हो चुके हैं, उसके बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि PSL को KFC ने स्पॉन्सर करा है और जो है PCB ने कैसे अलाउ कर दिया, और ये जो फलस्तीन पे अटैक्स हो रहे हैं उसमें KFC वगैरह की फंडिंग इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें। तो इसके पर मैं बेसिकली कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि इस हवाले से हमारे जो कॉन्सेप्ट गलत बने हुए हैं। हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो लिंक्स शेयर हो जाते हैं जिसके पीछे कोई सदाकत नहीं होती है, उसके बेसिस पे हम लोग जो है हर चीज़ बॉयकॉट करने पर आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि बीइंग एज अ नेशन हम पाकिस्तान से हैं, तो हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। ऑल्दो फलस्तीन में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर बुरा हो रहा है, इवन कश्मीर में हो रहा है, हर जगह पे हम हर चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बट सबसे पहले हमें अपने घर में देखना चाहिए, अपने मुल्क में देखना चाहिए क्या हो रहा है। हम उसके ख़िलाफ़ तो एक आवाज़ उठा नहीं सकते, जो उठाता है तो उसको उठा लिया जाता है। तो पहली बात तो ये कि हम लोगों के हाथ इतने बंधे हुए हैं, इंटरनेशनल दबाव कह सकते हैं आप या इंटरनल दबाव कह सकते हैं। तो इस हवाले से हमें पहले तो अपने आपको अपने मुल्क को देखना चाहिए कि हम लोग किस तरफ चल रहे हैं। हम अपनी मदद नहीं कर सकते, हम दूसरों की मदद क्या करेंगे। अब बात रही USA की, USA के प्रोडक्ट और सर्विस को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये इसराइली है। तो मेरा सवाल ये है कि हर चीज़ सिर्फ खाने पर आके क्यों रुक जाती है, कि खाना KFC नहीं, PNG के ग्रुप से कोई भी आपके डेली एसेंशियल्स वाले आइटम हों, यूनिलीवर के आइटम्स हों, इन सब चीज़ों पर आके हम रुक जाते हैं। ऑल्दो हम वी आर यूजिंग आईफोन्स, हम USA प्रोडक्ट है वो भी, और सोनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इवन जो अगर आप इसको रिसर्च करें, वही बातें हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम बोलते हैं कि भाई जो लिंक शेयर हो गया बस उसी को फॉलो करें। इवन आपका जो टोयोटा है वो इन्वॉल्व है इसराइल के अंदर, जो फलस्तीन के अंदर जो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसमें जो व्हीकल यूज़ हो रही सारी इसराइल की बिल्ड है, मैन्युफैक्चर्ड है। तो ये तो एक आपको मैंने छोटी एग्जांपल दी। इसके अलावा हुआवे के टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, हम उनकी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में। हमें इन बड़े जाइंट्स का जो है बॉयकॉट करना चाहिए। अब KFC के हवाले से या मैकडोनल्ड्स के हवाले से या और दूसरे प्रोडक्ट के हवाले से, ये सब USA के प्रोडक्ट हैं और USA को रॉयल्टी लाजमी तौर पर देते होंगे, ये 5% 10% जो भी इन लोगों की डील्स होती होंगी। बट हमें ये सोचना चाहिए कि अब जैसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं आईफोन कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो एक शॉपकीपर आपको सेल कर रहा है वो अपना एक मार्जिन रख के आपको सेल कर रहा है, ऑल्दो पूरा फंड जो है आप डायरेक्ट जो है एप्पल कंपनी को दे रहे हैं। इसी तरह ही और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम डिफरेंट आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। हम पहले तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हम ये सारी चीज़ें खुद अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर सकें, और ये सारी चीज़ें हम कर सकें। तो उसके बाद हमें ये बॉयकॉट वाला जो है लफ्ज़ अच्छा भी लगेगा कि हम इस चीज़ को बॉयकॉट करते हैं, आप ऑल्टरनेट है, क्योंकि हमारा मुल्क अपना बना रहा है या हम खुद बना रहे हैं। तो पहली बात तो ये हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो कर लें, तो ये तो आपकी चॉइस तो बड़ी वो हो गई कि इसके पर ना आपको कोई आप कोई सवाब के हकदार हो जाते हैं या फिर आपको कोई जन्नत का टिकट नहीं मिल जाता। आप लोगों का बॉयकॉट जो है इजी चीज़ों की तरफ क्यों है? आप लोग सोशल मीडिया बॉयकॉट नहीं कर सकते? अब आप लोग बोलते हैं कि हम उसके ज़रिए उनका मुकाबला कर रहे हैं, हम उन्हीं के आइटम को, उन्हीं के प्रोडक्ट को उन्हीं के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं, इसराइल की इसराइल की हकीकत और फ़लस्तीन के जो मजलूम हैं उनकी पिक्चर्स और सारी चीज़ें शेयर करके उन्हीं के हथियार को उनके ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये सारा आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो मतलब प्रोडक्ट आप खुद हैं। अगर आप जो है यूज़ करते हैं, लेट सपोज़ आपने एक फेसबुक की, मैं कॉमन एग्जांपल दूंगा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वही यूज़ होता है, आप जैसे ही सर्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं या कुछ भी, आप अपनी वॉल भी देखते हैं, अपनी न्यूज़ फीड देखते हैं, तो आपको बेतहाशा एड्स दिखते होंगे, आपको कपड़ों से रिलेटेड एड दिखते होंगे, आपको फ़ोन्स के, सिम्स के, सर्फ के डिफरेंट एड्स दिखते होंगे जो कि सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन वो एड्स चलाने के लिए फेसबुक को फंडिंग करते हैं। इवन कोई भी पाकिस्तान में कोई भी नई चीज़ प्रोड्यूस होती है, लाइक कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नया आइटम मार्केट में लॉन्च हो, वो सबसे पहले TV पे नहीं आता, वो सबसे पहले आप उसको देखते हैं, पाकिस्तान के चैनल्स पे नहीं देखेंगे, आप उसको सोशल मीडिया पे देखेंगे। रीज़न इसका यह है थोड़ा चीप मीडियम है कि आप ईजिली मार्केटिंग कर सकते हैं, उस पर बजट आपका इतना ही लगता है, जबकि अगर आप अपने चैनल्स पर चलवाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा बजट लगता है। तो ये होती है डायरेक्ट फंडिंग। अब उसको अब ये फेसबुक USA से ऑपरेट हो रहा है, उसको डायरेक्ट फंडिंग जा रही है, आप चाहे वो 5 लाख का 10 लाख का बजट लगाते हैं, आप स्ट्रेट वो दे रहे हैं, उसमें आप कोई रॉयल्टी नहीं दे रहे। आपकी जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, लाइक इसके अंदर मैं आपको अगर बोलूँ सिंपल के एक
नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं, बर्गर क्रॉक हो गया, पाकिस्तानी कबाब चीज हो गया, या और डिफरेंट प्रोडक्ट भी हैं जो भी हैं, इतने जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर पाकिस्तान की सिम्स हो गई, यूफोन हो गया, टेलनॉर हो गया, ये इनके जो भी एड्स चलते हैं ये डायरेक्ट जो है उनको पे करते हैं, तो उसके बदले वो आपको सर्विस ये देते हैं कि भाई आपके एड्स को दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है, इसमें आप डायरेक्ट फंड कर रहे हैं, आपके जो ये पाकिस्तानी कंपनी तो खुद डायरेक्ट फंड कर रही हैं, तो आप किस किस चीज़ों से बॉयकॉट करेंगे, और उसके जो व्यूज़ हैं वो आप खुद देते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करना छोड़ दें, यूट्यूब यूज़ करना छोड़ दें, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये कंपनीज जो है बाउंड नहीं होंगी कि वो एड्स चलवाएं, क्योंकि वहाँ पे व्यूअरशिप नहीं आएगी। आप लोग व्यूअरशिप देते हैं आप खुद, क्योंकि इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो बात बहुत ही अहमकाना हो जाती है, बेवकाना हो जाती है, अपने आप को पागल बनाने वाली हो जाती है कि भाई हम फ्री में फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। नहीं भाई, आप फ्री में भी फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे, आपको यूज़ किया जा रहा है, आपके व्यूज़ मैटर करते हैं, आप जो देखते हैं और उसका फेसबुक उससे कमा रहा है। आप एक कोई भी पोस्ट अगर देखते हैं तो उससे फेसबुक कमा रहा है। इस चीज़ को एक सिंपल वे में इस तरह समझें आप। अब इसमें हो क्या सकता है, चलें इसमें कॉम्पिटिशन में अच्छी बात है, कबाब जिस फ्राइड चिकन आ गया KFC के मुकाबले में, और ऑल्दो मैंने खुद कल परसों ट्राई करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सारी बात आ जाती है कि अब KFC को अगर हम बात करें, इसके स्टैंडर्ड को कबाब जिस कभी भी रीच नहीं कर सकता। कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता क्या हालात हैं, कोई चेक इन बैलेंस नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं। ऑल्दो उनका एम्बियंस बहुत अच्छा था, रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी भी अच्छी थी, थोड़ा ऑयली था, बट टेस्ट वगैरह बेहतर था, नॉट कंपेरेबल नहीं था कि आप KFC से, और ना करना भी चाहिए। एक चीज़ को आप जो है दूसरी चीज़ से नहीं कंपेयर कर सकते। तो ये बात हो गई कि विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करें, सबका अपना क्लास होता है, सबके अपने टेस्ट होते हैं, तो उस हवाले से अच्छा था, बुरा नहीं था। लेकिन मुझे सबसे अलार्मिंग चीज़ लगी वो थी इनकी प्राइस, लाइक 1400 वाली जो डील है KFC की, नॉर्मल उसके अंदर आपको दो जिंगर, दो चिकन के पीस, फ्राइज़ और ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं, और यही डील अगर आप कबाबजीज में देखें तो उसके अंदर आपको सेम यही डील मिलती है, लेकिन इसमें आपको ड्रिंक्स नहीं मिलती। ड्रिंक्स आप परचेज़ करते हैं तो आपको 1600 क्रॉस हो जाता है। अब कहने की बात यह है कि बाहर की चेन है, वो रॉयल्टी भी दे रही है, वो एम्प्लॉयज़ को अच्छा पैकेज भी दे रही है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप ये कहीं से भी मालूम कर लें, KFC, मैकडोनल्ड्स ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो पैकेजेस देते हैं, ये हमारे पाकिस्तान की कोई चेन ने अच्छे पैकेजेस नहीं देते अपने एम्प्लॉयज़ को, और वो एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, पाकिस्तान की खुद हमारी अपनी आवामी होती है। उसके बावजूद भी जो है इनके रेट इतने हाई हैं, KFC से भी ज़्यादा हाई हैं। आप अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो आप वही क्वालिटी, वही चीज़ आप थोड़े चीप रेट्स में दें कि अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। और जो है ये होता है अपना जो बिज़नेस के अंदर आप जो है फ़ायदा उठाते हैं सिचुएशन से। आपको पता है मज़हब के नाम पर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी बिक्री है, आपके खाना भी बिकने शुरू हो गया है, आपके ये चीज़ें जो है बहुत अफेक्ट करती हैं बिज़नेसेस को, उठाती भी हैं गिराती भी हैं। अब कहने का मकसद सारा ये है, चाहे वो KFC हो, मैकडोनल्ड्स हो, यूनिलीवर हो, PNG हो, इसकी इतनी मुखालिफत करी जा रही है और इतने मज़हब के नाम पे करते हैं कि आप ये जानते हैं कि KFC एक दफ़ा इससे मुतासर हो भी चुका है। कराची की ही गुलशन इकबाल की जो ब्रांच थी उसको जला दिया गया था, जिस नीपा वाली, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो है एम्प्लॉयज़ जो कि पाकिस्तानी थे उनको ज़िंदा जल गए थे, वो कोई जो उनके फ्रोज़न जो रूम होता है उसके अंदर जमा रह गया था, कुछ लोग जल गए थे। तो उसमें नुकसान इन दी एंड आपकी अपने बंदों का है, आपकी अपनी हुकूमत का है। हाँ, आपको अगर मुकाबला करना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एज अ नेशन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इकनॉमिकली। अगर हम KFC का बॉयकॉट कर देते हैं, हम इन चीज़ों को बॉयकॉट कर सकते हैं, पहले हम इन चीज़ों से कमा तो नहीं, जैसे आप फेसबुक का बोलते हैं कि हम फेसबुक को उन्हीं के खिलाफ हथियार यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को भी इकनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, वो KFC की ओनरशिप वहाँ से टैक्स पे नहीं करी है, यहाँ पर जो जिन्होंने फ्रेंचाइज ली है वो पाकिस्तानी हैं, वही पे कर रहे हैं, वो कमाएंगे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विस देंगे, और वो इस तरह एक सर्कल चलता रहता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो किस तरह होगा, हमें इन्हीं का सपोर्ट लेना पड़ेगा, इन्हीं चेन्स के ज़रिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने बिजनेसेस को स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद जो है फिर आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करिए और उनका मुकाबला करिए। ये कौन सी हिमाकत है कि पहले आप अपने खुद पैरों पर नहीं खड़े हो सकते और आप दूसरी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। लास्टली एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये IMF का आपने बहुत नाम सुना होगा, IMF के ज़रिए आपको जो पैसे मिलते हैं, आपके मुल्क को पैसे मिलते हैं, और वो सारे यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता। तो आप यूनाइटेड स्टेट की हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, उनके मुकाबले पर लाएँ, और फिर ये बॉयकॉट करें, उनके ऊपर उनका मुकाबला करें, ये सारी चीज़ें आपकी तब पॉसिबल हो सकती हैं, पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हम वही बात है कि बोलते हैं कि US ये है, इसराइली सपोर्टर है, ये है फलाना, और ये सारी चीज़ें हकीकत हैं, ये है वाकई, लेकिन
इन दी एंड अगले रोज़ हम लोग जो है वहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि IMF से हमें कर्ज़ा मिल जाए, हम लोग उनके बगैर हम लोगों का मुल्क एक दिन भी नहीं चल सकता। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं कि आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है अपने आप को बेवकूफ़ बना के और हम समझें कि हम जन्नत में डायरेक्ट अल्लाह ताला हमें भेज देगा, हम जिस पैसों से पेप्सी पी रहे हैं या जिससे KFC खा रहे हैं हम डायरेक्ट वो फ़ंड कर दें, ज़रूरी है आप घर का खाना खाइए। तो ये एक सपोर्ट होता है कि आप फलस्तीन के लोगों को इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें ये कोई सपोर्ट नहीं है कि आप जो है पेप्सी की जगह पे पाकोला पी लेंगे तो फिर आप ना फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पेप्सी यहाँ पाकोला पीने से फलस्तीन वालों को क्या अच्छा मतलब लग जाएगा या उनको क्या फ़ायदा हासिल हो जाएगा, या पेप्सी आपकी पीने से जो है उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा पेप्सी का, लेकिन जो है आप डायरेक्ट फलस्तीन को उन पैसों से सपोर्ट कर लीजिए, पेप्सी यहाँ पानी पी लीजिए। तो ये सपोर्ट के तरीके होते हैं, थोड़ी अकल यूज़ करिए और जो है इसको आप इस तरह फॉलो करते रहिए ट्रेंड को। ट्रेंड फॉलो हमेशा जो है रिसर्च करके करा करें।